We want to express our gratitude, sir, for joining us today. Let's give him a big round of applause. He gave us such a beautiful invite. It was so hard to refuse, like a friend of ours or someone was giving so much of warmth and heartness into it. All right. इन्वेस्ट करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. आइए उत्तराखंड में निवेश कीजिए. उत्तराखंड आपका इंतजार कर रहा है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारे आमंत्रण पर यहाँ पर आए हुए सभी इंडस्ट्री के लीडर्स में जिनका नाम यहाँ से संबोधित नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे सभी उपस्थित हमारे इन्वेस्टर्स, उपस्थित जनसमूह और हमारे, मैं सबसे पहले तो आज आप सबकी ये जो आर्थिक राजधानी है, पूरे भारत का दिल है, वहीं आप सबके बीच में हम जो है भारत की नहीं दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए. मैं आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि बड़ी संख्या में आकर आप सब लोगों ने हमारा यहां निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने का काम किया है. और जब हम मुंबई की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कोलाबा के व्यस्त बाजारों से लेकर बांद्रा की गगनचुंबी इमारतों तक लोकल ट्रेनों की भीड़ भाड़, सिद्धि विनायक मंदिर, ऐसे मिलने वाली शांति और मुंबई की जो आधुनिकता है, वहीं उत्तराखंड का जो संस्कृति है, वो जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ही अनूठा संगम बनता है. और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है, आप सब जानते हैं कि मुंबई के बहुत सारे लोग, मुंबई, महाराष्ट्र, आसपास के लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड उनका लगातार आना जाना रहता है. जिन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ से बात रखी, पूर्व चेयरमैन CIA महाराष्ट्र सुखची सोनिया गर्ग जी, जो कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उन्होंने बहुत विस्तार से उत्तराखंड के अपने जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके सामने शेयर किए. प्रशांत जी, रंजू एलेक्स जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर SS संधु जी, श्री मीनाक्षी सुंदरम सेक्रेटरी, श्री विनय शंकर पांडे जी, रोहित मीना, हमारे चेयरमैन CII महाराष्ट्र. ट्रेन से यहाँ आए, जिस फ्लाइट में आए उसमें मैं देख रहा था बड़ी संख्या में लोग लगातार कंटिन्यूअस यहाँ से वहाँ आने वाले थे और अपना उद्योग सभी संचालित करते हैं. जो हमारे यहाँ पर एक बड़ा सिटकुल, जैसा अभी रोहित मीणा जब यहाँ से प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो रोहित मीणा ने बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में शंका होगी कि ये उत्तराखंड में जो लोग नहीं गए, सोनिया जी, रंजू जी, आप तो खैर वहाँ जाते रहते हैं और वहाँ पर काम भी करते हैं, तो आपको नहीं, प्रवीण जी जिनको पता नहीं है, जैसे आप ही को बहुत सारी बातें पता नहीं थी, आप कह रहे थे कि भाई इतना शानदार वहाँ तो इतनी चीज़ें हैं, इतनी संभावनाएं हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि उत्तराखंड में ज़मीन नहीं होगी. उत्तराखंड तो एक हिल स्टेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15,000 एकड़ लैंड पर ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ, और इससे कहीं ज़्यादा भी हमारे यहाँ संभावनाएं हैं. और 6,000-7,000 एकड़ ज़मीन हमने ऑलरेडी वहाँ पर तैयार की हुई है, एक बड़ा लैंड बैंक हमने पहले से ही वहाँ बनाया हुआ है, इसलिए हमारे पास लैंड की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है. और साथ में जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं, सारी पॉलिसीज आप सब लोगों के लिए जो सरल हो, आसानी हो, जिसमें काम करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना आए,
उसके भी सारे रास्ते हमने निकाले हैं। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आज आप सबके बीच में आया हूं और मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी यहां इतनी बड़ी संख्या है, पूरा का पूरा ये परिसर, पूरा का पूरा ये हॉल जैम पैक्ड ही है, कहीं जगह नहीं बची हुई है। तो ये मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए, जो लोग आपको सबको यहाँ इनवाइट करने के लिए आए हैं, हमारे लिए बहुत हमको ऊर्जा से उत्प्रोत कर देता है। यानी हमारे अंदर एनर्जी का एक तेजी से ऊर्जा देने का काम करता है। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई और उत्तराखंड, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ ये महाराष्ट्र ये धड़कन की तरह है, धड़कन है, एक देश का दिमाग चलाता है, एक देश का दिमाग चलाता है और एक देश का दिल धड़काता है। इसलिए यहाँ के लोगों को विशेष कर से एक जुड़ाव के नाते, अधिकार के नाते भी आप सबके बीच में आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक हमारी अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 ट्रिलियन बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी के तहत उत्तराखंड राज्य भी उसमें अपना योगदान दे, उस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और साथ में उत्तराखंड राज्य जहां पर अपार संभावनाएं हैं, अभी मैं पिछले दिनों इंग्लैंड भी गया था, वहां पर लंदन में, आबू धाबी, लंदन में, बर्मिंगम में और बहुत सारे स्थानों पर जाकर वहाँ के लोगों से मिला था। उसके बाद आबू धाबी और दुबई में भी रोड शो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, व्यक्तिगत रूप से भी जहाँ लोगों से मैंने चर्चा करी, तो मैंने देखा कि सभी लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। जब हम दुबई में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। मैंने पहली बार में दुबई गया था, लंबी बिल्डिंग ऐसे देखो तो दिखती नहीं है। बुर्ज खलीफा में तो ऊपर चढ़े तो संधु साहब, वो जो है वो जो लिफ्ट चल रही थी, लिफ्ट में भी हवा की आवाज़ आ रही थी जब ऊपर चल रही थी तो। लेकिन मैं जैसे ही वो बुर्ज खलीफा से बाहर आया, उन्होंने वाटर फाउंटेन और वो शो होना था, 2-3 मिनट का शो हुआ, उसके बाद हम बाहर आए तो अंदर तो एसी चल रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम बाहर आए और गाड़ी का इंतज़ार करने लगे, मुझे लगता है 10 मिनट हमको इंतज़ार करना पड़ा, 10 मिनट में हम सारे के सारे रंजू जी जो है सब पसीने से तर बतर हो गए। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा। उत्तराखंड में आप उद्योग लगाएंगे, उत्तराखंड में होटल बनाएंगे, उत्तराखंड में कोई और काम करेंगे तो बाहर जितना टेम्परेचर अंदर जितना हो रहा होगा, बाहर उससे बहुत कम हो रहा होगा। आपको वहाँ ठंड लगेगी, यानी कि तो अंतर है दोनों चीज़ों में। एक वहाँ पर मैन मेड और यहाँ पर सब कुछ जो है कुछ ही अपने हाथ से बनाना है, बाकी सारा का सारा गॉड मेड। तो सब कुछ जो है भगवान का बनाया हुआ है। तो ऐसा स्थान है उत्तराखंड, इसलिए आप सब लोगों से हम लोग आमंत्रित करने के लिए आए। और मैंने जब से उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, तो ये सोनिया जी जानती हैं, हमने लगातार सबसे कम्युनिकेशन किया, लगातार संवाद किया, लगातार बातें करी। और इंडस्ट्री समूह के लोगों ने, इन्वेस्टर ने जिस प्रकार की हमसे पॉलिसियों की अपेक्षा करी, उस प्रकार की पॉलिसीज को हमने बनाया, उसी का परिणाम है। और जब हम आपके बीच में आए हैं तो आपके बीच में आने से पहले हम सारी पॉलिसीज बनाकर आए हैं। जो भी सुझाव लोगों के आए हैं, जितनी एडवाइज आई हैं, जितनी ज़रूरत आई है, या जिन कामों को इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इन्वेस्टर के लिए, किसी भी फील्ड में, बहुत सारे फील्डों की हम बात कर रहे हैं, सभी फील्डों में, तो उनको उनके अनुकूल बनाकर तब हम आपके बीच में आए, तब हम बात कर रहे हैं। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो आपके बीच में से जो भी सुझाव, जो भी बातें और आएंगी, उन बातों को भी हम अमल में लाएंगे। बहुत लिबरल बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर है, कोई इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, कोई व्यापार करने वाले हैं, वो व्यापार करने वहीं जाते हैं जहां वो सुरक्षित स्थान देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। और मैं अपने
हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और लोग बैठे हैं, मैं सबसे एक बात कहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने आएगा, जो बड़े उद्योग समूह हैं वो तो बहुत सारे स्थानों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक राज्य में करते हैं, दूसरे राज्य में करते हैं, एक स्थान में करते हैं, दूसरे स्थान में करते हैं, देश दुनिया के अनेकों स्थानों पर करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पूरे जीवन की कमाई को एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बार करेंगे तो वो अपना फ्यूचर भी देखेंगे, अपनी सुरक्षा भी देखेंगे और आने वाले समय में ये देखेंगे कि यहाँ पर व्यापार किस प्रकार से चल सकता है। तो हमको उसको अपने सोच में रखकर, केवल हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप आइए, आप आ जाइए और आकर फंस जाइए, आप आइए और हम भी आपके साथ, आप हमारे राज्य में काम करेंगे तो ये तय मानिए कि डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम आपके एक सह पार्टनर के रूप में हैं, सह पार्टनर जो आपके इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को सुरक्षा देने के लिए, इंडस्ट्री के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और इंडस्ट्री का विकास होता रहे, इंडस्ट्री चलती रहे, उसके लिए सरकार भी बराबर चिंता करेगी। क्योंकि केवल ये नहीं होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं, इंडस्ट्री एक बार शुरू करते हैं, कई बार इंडस्ट्री रुक जाती है, कई बार बीच में उनको अपना काम रोकना पड़ता है, तो इस प्रकार का हम नहीं चाहते। इसलिए हमने कहा है कि हम बात करके लोगों से उनकी बातों को समझकर और उनके अनुकूल नीतियों को बनाकर हम उसमें काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने जो उत्तराखंड का भी अंतिम कोना है उस कोने तक विकास पहुँचे, उस कोने तक लोग पहुँचे। अभी टाटा की बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि अब कुछ ऐसे राज्य वो ढूंढ रहे हैं जहाँ पर अभी GDP कम है। ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो केवल अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, वो देश की भी चिंता कर रहे हैं, देश के उन राज्यों की भी चिंता कर रहे हैं जो राज्य पिछड़ गए हैं। क्योंकि कोई भी देश तभी आगे बढ़ेगा, तभी वो विकसित माना जाएगा जब पूरे देश के अंदर एक समान रूप से, समावेशी रूप से विकास हो और पूरे देश का एक साथ विकास होगा, जो क्षेत्र पीछे छूट गए वो भी आगे आएंगे। तो ऐसे भी समूह काम कर रहे हैं, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। और हम पलायन की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ उत्तराखंड के अंदर इन सालों में और पहले से भी होता रहा, क्योंकि रोजगार के लिए लोग बाहर जाते रहे। आप सब लोगों के बीच में से जब लोग वहाँ आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, अपने काम करेंगे और विशेषकर से पहाड़ों के क्षेत्र में काम करेंगे तो उनको वहीं पर रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा। और मुझे खुशी है कि मैं जब आप सबके बीच में आया हूँ तो आज से पहले, यानी आज तो बहुत बड़ी संख्या हो गई है, कम से कम कितने पांडे जी, हम लोग 60-70 लोगों से तो मिल चुके हैं, लगभग 70-80 लोगों से मैं भेंट कर चुका हूँ, अभी 1-to-1 करके या 1-1 करके, 2-2 करके। अभी बहुत सारे लोगों से मिलना है, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी आ गए हैं, ये भी मिलेंगे, हम लोग सब मिलेंगे, कम से कम 400-500 लोगों से मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तक के जितने 1-1 करके मिलने वाले लोग थे वो सबसे अधिक कहीं होंगे तो वो मुंबई में ही होने वाले हैं। और 1,00,000 करोड़ के हमारे पास अभी तक MOU साइन हो चुके हैं, और वो केवल MOU नहीं हुए हैं। कई बार लोगों को लगता है कि MOU हो गए, अब आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, हम तो उन्हीं के साथ MOU कर रहे हैं। हम कह रहे भैया किसी को जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, केवल फॉर्मल होने की आवश्यकता नहीं है, आपको काम करना है, आप पहले काम को समझिए। हमारे पास और भी बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, मैं आपको बताऊँ, और हम उन सभी को देख रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं, उसका आकलन करने के बाद उनका भी अच्छा होगा और हमें भी लगेगा राज्य के हित में, तो हम उन सभी को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा मानना है कि कोई भी निवेशक निवेश करता है और उसे जब विश्वास होगा कि उसका काम अच्छा चलेगा तो वो करेगा, और उससे कम से कम समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। हमने शुरू से इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया है और राज्य में हमने जो सिंगल विंडो सिस्टम है, हमने सिंगल विंडो सिस्टम पर भी बहुत व्यवहारिक रूप से उस पर काम हो, और उस दिशा में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी पूरी तरह से बहुत सारे लोग वहाँ काम करते होंगे, पूरी तरह से धरातल पर उतर गया है 100%, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एक शुरुआत करी है कि उसको एकदम सख्ती से उसको काम करें, जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और वन स्टॉप शॉप ये व्यवस्था भी हमने प्रारंभ करी है। साथ ही मुझे ये बताते हुए भी आप सबको खुशी हो रही है कि अलग अलग सेक्टर्स में जो इन्वेस्टर फ्रेंड हैं
उनकी भी हमने नियुक्ति की है और 5 करोड़ रुपए से अधिक की जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे और राज्य की ओर से जो तमाम प्रकार के NOC इत्यादि जो लेती हूँ उन सभी को वो दिलवाने का काम, निवेशकों को उपलब्ध कराने का काम उनके माध्यम से होगा। इसके साथ साथ हमने राज्य के अंदर कुछ सेक्टरों को फोकस किया है, वो सेक्टर हैं पर्यटन टूरिज्म का है, आयुष का, वेलनेस का, फूड प्रोसेसिंग का, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर हैं, इनको विशेष रूप से हमने फोकस किया है और इसके लिए हमने जो ज़रूरत है इन सेक्टरों में निवेश के लिए, काम करने के लिए जिसकी आवश्यकता है, उन सभी को हमने उन सभी फॉर्मेलिटीज को और उन आवश्यकताओं को हमने पूरा किया है। अभी हमने जो हमारे निवेशक हैं उनके लिए मजबूत नीतिगत ढांचे में उनके अनुरूप जो कि जो इन्वेस्टर हैं उनके अनुरूप भी जो योजनाएं बनाई हैं और 4 महीने में 27 से अधिक जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनको बनाया है या बहुत सारी जो पॉलिसी हैं उनको लिबरल भी किया है, कुछ में अगर संशोधन करना पड़ा है तो उनको हमने संशोधित भी किया है। आपको अभी प्रेजेंटेशन में बता ही दिया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था अच्छी है, किसी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं है, शांति है और आसानी से कोई भी व्यक्ति वहाँ पर काम कर सकता है, कोई भी अपना व्यवसाय कर सकता है। साथ ही मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि जो बहुत सारी जगह पर आप देखते होंगे लगातार यूनियंस के बीच में और श्रमिकों के बीच में, साथ में जो प्रबंधक वर्ग हैं उनके बीच में लगातार क्लैश होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्लैश बहुत मतलब न्यून से भी न्यून है, जीरो है, मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल है ही नहीं, या कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको भी तत्काल जो है समाप्त कर दिया जाए। विद्युत टैरिफ पूरे देश के अंदर सबसे कम उत्तराखंड के अंदर है और पीस टू प्रॉस्पेरिटी के मूल मंत्र के साथ हमने निवेश के अनुकूल सरकार अत्याधुनिक जो बुनियादी ढांचे हैं और उत्कृष्ट जो मानव श्रम है, शांतिपूर्ण वातावरण है, पारदर्शी प्रोत्साहन नीतियां हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान के अधिकाधिक शहरों से हमारे यहाँ देहरादून से सीधी फ्लाइट चलती है, लगभग 40 के लगभग फ्लाइटें चलती हैं। इसके साथ जो एक बड़ा हमारा सिटकुल पंतनगर में है, वो पंतनगर के सिटकुल के पास हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना रहे हैं, जल्दी ही उसके लिए हमने जो सारी फॉर्मेलिटीज है, लगभग 800 एकड़ की ज़मीन राज्य सरकार ने भारत के जो विमानन मंत्रालय है उस मंत्रालय को हमने हस्तांतरित करने की प्रक्रिया कर दी है और रेल सेवा भी लगातार चल रही है और दिल्ली के बहुत नज़दीक है, पूरा का पूरा क्षेत्र, जैसा अभी सोनिया जी बता रही थी कि दिल्ली से 3.5 घंटे में देहरादून पहुँच रहे हैं, आने वाले समय में ये दूरी भी आपकी मात्र 2 या अधिकतम 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच पाएंगे, हरिद्वार पहुंच जाएंगे, ऋषिकेश पहुंच जाएंगे और रामनगर, रुद्रपुर, ये सारा स्थान जहां हमारा बड़ा सिटकुल है वो सारा का सारा दिल्ली के बहुत नज़दीक का क्षेत्र है और हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी हमारे यहाँ से चलें, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि निजी क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध बनाने एवं जो हमारी साझेदारी है उसको स्थापित करने के से हम राज्य में आर्थिक प्रगति और जो रोजगार के अवसर हैं उसको और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए उत्तराखंड में हमने उद्योगों के साथ बेहतर संबंध एवं तालमेल बढ़ाने के लिए हमने अपनी जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रखी है, हमने हमारी प्रायोरिटी है कि हम निवेश को बढ़ावा दें, उद्योगों को अच्छा माहौल दें, अच्छी व्यवस्थाएं करें, अच्छा सुशासन का जो भी
काम होता है वो सारा का सारा उद्योगों के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में भी लोगों को दें। और आप सब जानते हैं कि देवभूमि जो उत्तराखंड है, कई बार लोग कहते हैं कि साहब वहाँ पर डेस्टिनेशन कहाँ है फिल्म इंडस्ट्री वाले। आपकी नज़र जिधर को जाएगी, आपकी जिधर को नज़र जाएगी उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। देखिए गंगा वहाँ निकलती हैं, गंगा जी निकलती हैं, गंगा जी का उद्गम है, यमुना जी का उद्गम है, पिंडर है, अलकनंदा है, भागीरथी है, सरस्वती हैं, महाकाली हैं, कोसी हैं, ऐसी अनेकों नदियाँ जो साल भर प्रभावान रहती हैं वो सारी की सारी देवभूमि उत्तराखंड से ही निकलती हैं। हमारे यहाँ ग्लेशियर हैं, बर्फ की चोटियाँ हैं, पर्वतों की श्रृंखलाएँ हैं, और उससे बड़ी बात कि पूरे राज्य का 71% जो एरिया है वो फॉरेस्ट है। जिम कॉर्बेट जैसा पार्क उत्तराखंड में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं, टाइगर देखने भी आते हैं, टाइगर सफारी भी करते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से, आयुष की दृष्टि से, वेलनेस की दृष्टि से, हर दृष्टि से देवभूमि, और काम करने की दृष्टि से भी देवभूमि में उद्योग धंधे भी भगवान की कृपा से फल फूल रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विशेष जो लगाव है वो उत्तराखंड राज्य के साथ है, और उन्होंने उत्तराखंड को इस दशक को उत्तराखंड का दशक उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दिशा में हम तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं। आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल आप लोगों ने देखा होगा, बीच में चर्चा आई होगी कि जोशी मठ में भूस्खलन हो रहा है, लेकिन इस वर्ष की जो यात्रा हुई है अभी तक 55 लाख तीर्थ यात्रियों ने चार धामों के दर्शन कर लिए हैं। अभी 18 तारीख तक यात्रा चलनी है, अभी आज 6 तारीख हो रही है, लगभग 12 दिन अभी और बचे हुए हैं, और 55 लाख क्रॉस हो गया है, अब तक की सबसे बड़ी संख्या। अभी आदि कैलाश की यात्रा पर माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलवे की लाइनें बिछ रही हैं, नई रेलें चल रही हैं, हर प्रकार से आज उत्तराखंड आपके अनुकूल है। और मैंने ये बातें इसलिए कही कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा हम उत्तराखंड क्यों जाएं, क्या ज़रूरत है, हमारा तो काम यहाँ अच्छा चल रहा है। मैंने कहा कि उत्तराखंड में जन्म लेना, ये जन्म लेना जो है, आप लोग का जो एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट को? देखिए पूरे देश के अंदर अनेकों स्थानों पर हमने इस प्रकार के रोड शो किए, लोगों से सबसे जो हमारी पॉलिसीज थी उत्तराखंड में लोगों को क्यों आना चाहिए, क्यों वहाँ पर इंडस्ट्री, क्यों वहाँ पर निवेश, इस प्रकार की बातें सबके सामने रखी हैं। लंदन, बर्मिंगम, अबू धाबी, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली और अब मुंबई में, तो अभी तक 1 लाख करोड़ के MOU हमारे हो चुके हैं, निवेशकों पर करार हो चुका है, और यहाँ पर आज भी बहुत सारे प्रस्तावों पर आज करार होना है, हो रहा है। तो ये संख्या मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या है, मुंबई में भी लोगों में बड़ा उत्साह है, और वैसे भी उत्तराखंड और मुंबई और महाराष्ट्र का बड़ा संबंध है, यहाँ के लोगों का वहाँ आना जाना लगातार रहता है, चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे पर्यटन के लिए आना हो, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून आना हो, नैनीताल जाना हो, मसूरी जाना हो, पूरे साल भर यहाँ से सीधी फ्लाइट भी देहरादून के लिए है। और जहाँ मुंबई देश का दिल है और आर्थिक जगत की राजधानी है, तो उत्तराखंड आध्यात्मिक जगत की राजधानी है, तो दोनों राजधानियों का बड़ा एक दूसरे से जुड़ाव है। तो हमें लगता है जिस प्रकार यहाँ पर आज बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इन्वेस्टर आए हैं, इंडस्ट्री समुदाय के लीडर्स आए हैं, तो एक बड़ा निवेश उत्तराखंड में यहाँ से आएगा। सर, जो निवेश का जो इंटरेस्ट है वो मोस्टली कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? टूरिज्म है, फार्मा है, और ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लॉजिस्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
हेल्थ वेलनेस है, इन सभी क्षेत्रों में लोगों का और नए नए क्षेत्रों का भी लोग बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, स्किल डेवलपमेंट में भी काम करना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम करना चाहते हैं। तो हमने कहा है कि हमने जो भी अपने यहाँ पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी सभी लोगों को आकर्षित करने के लिए और उनको काम करने के लिए आसानी हो उसी प्रकार की पॉलिसियाँ बनाई हैं। और जो पॉलिसी हम पहले से जो चली आ रही पॉलिसियाँ थी उनमें भी जो लोगों के सुझाव आए इंडस्ट्री समुदाय के लोगों के बीच में से और निवेशकों के बीच में से कि इसमें कुछ संशोधन करना है, इसको लिबरल करना है, तो हमने उनको समय के अनुसार लिबरल भी किया है, सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत भी किया है जिससे कि लोगों को आसानी से उत्तराखंड में काम करने में कोई परेशानी ना हो। सर, एनी स्पेसिफिक कॉर्पोरेशंस दैट यू आर टारगेटिंग, यू मेंशन टाटा पावर, एनी अदर स्पेसिफिक कॉर्पोरेशंस? लेट्स कम इन हिंदी फर्स्ट एंड देन इंग्लिश प्लीज। सर, अब तक कितने जो है इन निवेशकों से आप मिल चुके हैं और कितने एमओयू जो है? नहीं, वो तो कई हजारों लोगों से अभी तक मिल चुके हैं और ये मिलने का क्रम लगातार चलेगा। और 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में बड़ी समिट हमारी हो रही है तो वहाँ भी सबसे मिलेंगे, सब लोग आएंगे वहाँ पर। सर, फिल्म जगत के लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई है, वहाँ पर किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? फिल्म जगत के लोग भी वहाँ पर काम करना चाहते हैं और हमने उनको कहा है कि जहाँ फिल्म शूटिंग के लिए हमारे पास पूरा उत्तराखंड डेस्टिनेशन है, 10-20 डेस्टिनेशन नहीं है, पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन कहीं है तो उत्तराखंड में है। उनके लिए हमने अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, उनको लाइसेंस देने में, अनुमति देने में ऑनलाइन हमने सब व्यवस्था की है, सारी सुविधाएं दी हैं। तो इसलिए इन सालों में 200 से भी ज़्यादा फिल्में वहां पर बनी हैं और आने वाले समय में और बनने वाली। करीब 71% लैंड उत्तराखंड की जो है वो फॉरेस्ट में आती है, 29% लैंड ही आपके पास अवेलेबल है, 25 करोड़ का पॉपुलेशन है। लॉजिस्टिकल सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी होता है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, उसका प्लानिंग आपका कैसा है? नहीं देखिए, उत्तराखंड में चूँकि हमारे यहाँ पर जो 9 जिले हैं वो 9 जिले पूरी तरह से हिल्स पर हैं, पहाड़ हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, और 4 जिलों में से 2 जिले हमारे आधे पहाड़ हैं, आधा मैदान है, और 2 जिले जहाँ लॉजिस्टिक की बात है वहाँ पर हमारे पास पर्याप्त ज़मीन है, पर्याप्त साधन है, रेल कनेक्टिविटी भी है, अन्य प्रकार की रोड कनेक्टिविटी भी है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल में, इसलिए हम उस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए हमने लैंड की भी और अन्य जो व्यवस्थाएं होती हैं उन सभी व्यवस्थाओं का पूरी तरह से प्रबंध किया हुआ है। आपका कंट्रीब्यूशन कितना आप मानते हो? $5 ट्रिलियन जो पीएम ने कहा है कि उनका सपना है, तो उत्तराखंड का कंट्रीब्यूशन का आपने क्या निश्चित तय किया? इसीलिए हम ये इन्वेस्टर समिट भी कर रहे हैं और हमारा ये है कि अगले 5 सालों में उत्तराखंड की जो GSDP है उसको दुगना करें। उसके लिए हम बहुत सारे नई नई पॉलिसियाँ लाए हैं, पॉलिसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं। सर, राजनीतिक प्रश्न आपसे लूँगा और इसी बीच हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ में पता चला है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो सीधे सीधे ऑनलाइन गैम्बलिंग के जो सरगना थे उनसे लिप्त थे, वो 500 करोड़ की घूस भी जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में लगातार पहुंच रही थी। इस प्रकार के खुलासे जो हैं वो ईडी की कार्रवाई में हुआ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के तार दोबारा से करप्शन से लिप्त होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और कांग्रेस कहेंगे तो जहाँ करप्शन वहाँ होगा ही होगा। और जो ताज़ा प्रकरण आया है वो भी इसका उदाहरण है कि देश के अंदर अगर करप्शन को, भ्रष्टाचार को किसी ने पोषित करने का काम, देश में जन्माने का काम किसी ने किया है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है और देश की जनता देख रही है। इसलिए देश की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है, डबल इंजन की सरकार चाहती है। कॉर्पोरेशन जिनके साथ एमओयू साइन किया और टाटा पावर के जैसे, टाटा पावर के अलावा कोई और स्पेसिफिक कॉर्पोरेशन जिनके साथ? बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेशन हैं, सभी लोग आ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए।